मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये लाइव बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरा ब्लॉग नहीं डाला नहीं गया था, मतलब मैंने किया ही नहीं। अभी भी थोड़ी सी सर्दी है ही मुझे, पर ठीक है, उतना चलता है। और हैप्पी न्यू ईयर, मैं तो लेट ब्लॉग थोड़ी ना डालने वाला हूँ। हैप्पी नवरात्रि सबको। और गौरव मतलब गरबा का इवेंट होने वाला है, पर पहले 3 दिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चालू होने वाली है। तो देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या होता है। अभी तो मुझे पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा क्योंकि कल है मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, हिंदी की ओरल है। और सॉरी फिर से बोलता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पाया और आप लोग वेट कर रहे थे ब्लॉग्स का, पर मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पाया हूँ इतने दिनों से। तो हाँ, मम्मी कुछ बनाएंगी नाश्ते के लिए। चलो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं मम्मी नाश्ते के लिए क्या बना रही है। देखो इतने सालों बाद हमारे घर पे कौन आया है। इडली और डोसा वाले, सॉरी डोसा नहीं है ना, डोसा नहीं, इडली और वड़ा और चटनिया। गाइस अभी हम लोग आए हैं शहीद चौक में, क्योंकि हमको आना था शॉर्मा नेशन। आज डिमांड चल रही थी सबकी कि शॉर्मा खाना है, और पापा वहाँ पे पी रहे हैं चाय। हमने शॉर्मा का ऑर्डर दे दिया और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी इसलिए मैं टोपी पहन के आ गया। और नासिक में बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, पर किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फर्क पड़ रहा है ठंडी से। सब लोग हाफ स्लीव्स के पहन के आए हैं और मैं अकेला मोटा मोटा पहन के आया हूँ। गाइस हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हमने मंगवाया पार्सल। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए वो देखो। हाँ हाय बोलो सबको। हाँ तो अभी हम लोग घर पे जाएंगे। दादा ने भी एक ऑर्डर किया है क्योंकि एक ही इस पे ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है तो इधर उधर घूमना पड़ता है, तो इसलिए दादा ने अलग से ऑर्डर किया है। दादा का आएगा फिर मिलके खाएंगे, मज़ा आएगा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड क्योंकि लेनी है मुझे मेरी यूनिफॉर्म। स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म आ चुकी है और सामने चल रहा है जेसीबी का काम, वो भी दिखाता हूँ। सामने चल रहा है जेसीबी का काम। अरे बाप रे, धूल ही धूल हो गई। और अपने पप्पा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। चलो यूनिफॉर्म हम लोग देख रहे थे। ये नहीं है, नहीं ये नहीं, ये है हमारी यूनिफॉर्म सॉक्स। और हमें नॉर्मल सॉक्स भी चाहिए थे पर नॉर्मल सॉक्स है नहीं, सो अभी हम लोग ये लेंगे और जाएंगे कहाँ, अमोल अंकल के यहाँ। और कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग घूम रहे हैं रोड में और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पत्ती लेने के लिए क्योंकि मम्मी ने बोला है चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। और अगर बिना चाय पत्ती के आए तो घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी, तो मम्मी के डर से सब कुछ करना पड़ता है। तो चलो चाय पत्ती के तरफ। और आ गए हैं हम लोग वापस से, यहाँ पे पहली बार भी आए थे, उसका भी ब्लॉग है, वो भी जाके देख लेना।
गाइस अभी हम लोग आए हैं शिव सागर और हम लोग कैसे आए आपको अभी बताता हूँ। मैं स्कूल छुट्टी पापा लेने के लिए आए और मैं तुरंत बारिश चालू हो गई तो हम लोग जल्दी से भागे। हम लोग पहले कहीं और जाने वाले थे, डायरेक्टली घर पे आने वाले थे, पर नहीं हम लोग घर पे नहीं आ पाए। बीच में इतनी जोर से बारिश चालू हो गई कि कहीं नहीं जाने का घर पे, तो हम लोग आ गए श्री सागर। वहाँ अभी हम लोग यहाँ पे पेट भर खाना खाने वाले हैं क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है। इसी बारिश रुक रही है, हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे घर पे, और घर पे ही है राजेश दीदी, उनसे भी मिलना है। देखते हैं आगे का प्लान क्या है। पापा ने मुआ दिए है दही बड़ा, दही बड़ा, और मेरा अभी तक आया ही नहीं। अंकल जल्दी करो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और आप बोल रहे होगे शादी कैसे यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे स्कूल में होने वाला है नवरात्रि सेलिब्रेशन, इसलिए हमें नॉर्मल क्लोथ्स मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के बुलाया है। हाँ, और साथ में डांडिया भी लेके बुलाया है। तो चलो, मुझे लग रहा है ऐसे स्कूल में डांडिया पहनने वाले हैं, पर देखते हैं अभी स्कूल में जाके। जब आऊँगा तब आपको सब कुछ बताएंगे। Bye.